पॉइंट न्यूज में आप तमाम लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरें अब काफी चर्चाओं में आ गई हैं। राजनीति अब गर्मा चुकी है। मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी, ये पोस्टर जहां दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में लगाया गया था आम आदमी पार्टी के वर्कर्स द्वारा, जिन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है और FIR भी दर्ज कर ली गई है। लगातार वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर ये पोस्टर, हर गली गली चलियारे में, हर गली गली गलियारे में ये पोस्टर लगाए जा रहे थे जहांगीरपुरी की और दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन अब जो इन पोस्टरों को लगा रहा है उन पर दिल्ली पुलिस की कड़ी कार्रवाई होने लगी है। जी हां, 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 17 ही FIR पूरे दिल्ली के अंदर दर्ज कर ली गई है। और अब राजनीति इतनी गर्मा गई है, राहुल गांधी खुद ट्विटर हैंडल से पोस्ट करते हैं, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी, ये सवाल देश का हर एक नौजवान, हर एक राजनीति से जुड़ा शख्स, हर एक जिम्मेदार शख्स अब अपने अपने व्हाट्सएप DP हो या फेसबुक DP हो या फिर ट्विटर अकाउंट की DP हो उस पर लगा रहे हैं। आइए देखिए क्या है इन तस्वीरों में और क्या कुछ दिख रहा है इन तस्वीरों में, जो इतना बवाल इन तस्वीरों पर मचा हुआ है। गौर से देखिए इन तस्वीरों को, जिस ग्राफिक डिजाइनर ने इनको डिजाइन किया था अब उस पर भी जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से जो है वो जानकारी दी है और जहां जहां ये पोस्टर लगाए गए थे वहां से इनको अब हटाना भी शुरू कर दिया गया है। देखिए वीडियो में किस तरह से दिल्ली पुलिस का जवान इन पोस्टर्स को हटा रहा है और फाड़ रहा है। क्या इन पोस्टर्स के हटाने से और लगाने से, या फिर जनता जो सवाल कर रही है, क्या नरेंद्र मोदी सरकार, क्या देश की सरकार से जो लोग सवाल पूछ रहे हैं क्या ये उनका जवाब दे पाएंगे? प्रियंका वाड्रा गांधी या राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल हो, सभी कह रहे हैं हमें गिरफ्तार कीजिए। आम आदमी पार्टी से सांसद, राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी कह रहे हैं मुझे गिरफ्तार कीजिए, मैं आपको चुनौती देता हूँ। अमानतुल्ला खान और तमाम राजनीतिक पार्टी और उनके जो MLA हैं, नेता हैं, सभी पोस्ट कर रहे हैं। अलका लांबा को भी देखिए किस तरह से लगातार यही चुनौती दे रहे हैं कि आप हमें गिरफ्तार कीजिए, #MeArrest2, यही ट्विटर पे जो है वो लगातार ट्रेंड चल रहा है, मोदी जी हमें गिरफ्तार कीजिए। लगातार लोग चुनौती दे रहे हैं और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी एवं अन्य विपक्षी दल लगातार ये चुनौती जो है वो केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को #hashtag कर रहे हैं कि आप हमें गिरफ्तार कीजिए, हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। और ये जनता सवाल करेगी कि ये भी ट्विटर पे जो है वो #hashtag लगातार चल रहा है। लेकिन देखने योग्य बात ये है, क्या लोग जो इस तरह से पोस्टरबाजी कर पोस्टर लगाकर सवाल कर रहे हैं, क्या केंद्र की सरकार उन्हें जवाब देगी या फिर उनको यही जवाब मिल रहा है क्यों वो इस तरह से कर रहे हैं, क्यों इस तरह से वो गिरफ्तारियां उनकी जो है की जा रही है? क्योंकि लोग शायद डरते हैं फ्रंट पे आने से और बात करने से और अपने चेहरे दिखाने से, इसीलिए शायद ये पोस्टर लगाए गए हैं। लेकिन भाजपा ने वहीं इसको नकारते हुए कहा कि ये राजनीतिकरण हो रहा है, ये राजनीति की जा रही है वैक्सीन पे। ये मामला 6 करोड़ वैक्सीन जो भारत की, हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने जो इसको एक्सपोर्ट किया है 6 करोड़ डोजेस को, उसके ऊपर अब राजनीति काफी ज्यादा गर्मा गई है कि अपने देश के लोगों को वैक्सीन मिली नहीं और दूसरों को आप बांटने चले, हमारे बच्चों को मोदी जी वैक्सीन क्यों विदेश भिजवा दिया। और हमारे जो संयुक्त राष्ट्र में हमारे जो भारत के जो बोलने वाले स्पीकर थे उन्होंने कहा कि हमारे अपने देश में इतने लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है जितने कि हम विदेश में लोगों को लगवा चुके हैं। जब से ये चीजें जो है ये वायरल होने लगी है और लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं, मामला अब गंभीर हो गया है। लगातार ट्विटर पे जो है और राजनीति बेहद ज्यादा गर्मा गई है, न्यूज चैनलों पर भी अब यही दिखाया जा रहा है। क्या लोगों का सवाल करना राजद्रोह या देशद्रोह है? क्या लोगों का ये सवाल करना देश के लिए हानिकारक है? इस तरह की अब जो है प्रतिक्रिया लगातार खुलकर सामने आ रही है। मोहम्मद रब्बानी, शुक्रिया। हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।